नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। अगर आप युवराज सिंह के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। मैच के बाद कप्तान रोहित ने युवराज के लिए ऐसा कहकर जीत लिया सबका दिल, जानकर होगी आपको खुशी। मुंबई की टीम पिछले 7 साल से आईपीएल का अपना पहला मैच जीतने में असफल रही है और रविवार के मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स टीम से 37 रन की शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि 214 रन को हासिल करना उनके लिए हमेशा मुश्किल रहने वाला था और सबसे ज्यादा 180 के करीब का स्कोर उन्होंने बनाया। इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा सीनियर बल्लेबाज युवराज सिंह का। युवराज ने अपनी धुआंधार पारी खेलते हुए फॉर्म दिखाते हुए जबरदस्त अर्धशतक जड़ डाला। युवराज ने 35 गेंद में 53 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। मुंबई की हार के बाद कप्तान रोहित ने अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने बताया कि पहला मैच हर टीम के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। हमने आज काफ़ी गलतियां की। हम पहले मैच के 10 ओवर में कंट्रोल में थे लेकिन जिस प्रकार से ऋषभ ने बल्लेबाजी की उसका श्रेय उन्हें जाता है। रोहित ने युवराज की तारीफ में कहा कि वो आज बल्ले के साथ बेहतरीन पारी खेल रहे थे। रोहित के अनुसार उनके बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए और टॉप 4 में से कोई 70 में से ज़्यादा रन बनाता तो शायद स्थिति बेहतर हो सकती थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रोचक और मज़ेदार जानकारियों और खबरों के लिए द न्यूज़ टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।